असली रजत कौन है इसमें अभी कंफ्यूजन है। जी हाँ, ये कुछ अपडेट रजत को दी गई है बिग बॉस के घर के अंदर। वीकेंड के वार पे आप सबने देखा होगा कि पिछले 3 हफ्तों से रजत की कोई क्लास नहीं लगाई जा रही थी, रजत से कोई ऐसी बात नहीं की जा रही थी जहाँ पे रजत को डिफेम किया जाए। लेकिन इस हफ्ते रजत की क्लास लग रही है और रजत को ये कहा जा रहा है कि आपका कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपका गेम कहाँ जा रहा है, आपकी इक्वेशन किसके साथ बन रही है, आप किसके साथ हो, मतलब अगर आप सभी के साथ हो तो आप कहीं नहीं हो, ये वाला हिसाब किताब लगाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बाहर से भी कुछ ऐसा ही फीडबैक आ रहा है कि जिस लड़की पे रजत कल तक खुद चढ़ रहा था, यानी कि चाहत पे, आज वो उसका रखवाला बन चुका है। तो देखो, मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर के इक्वेशन हर रोज़ बदलते हैं। आज आपको कोई इंसान पसंद आ सकता है तो कल वो इंसान आपको नहीं पसंद आ सकता है उसके एक्शंस की वजह से। और मैं ये मानती हूँ कि चाहत वाले मैटर में रजत अगर कूदा था, जहाँ पे उसने अविनाश को ऐसे पुश किया था, तो उसने वो रात को बोला था कि भाई ये जो कर रहा है ना, इसके लिए मैं कल इसे बताऊँगा, कल मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा, और वो रजत ने किया, तो मुझे वहाँ पे वो गलत नहीं लगा। लेकिन हाँ, वो धक्कम धुक्की थोड़ी नहीं होती, मुंह से बात होती तो ज़्यादा सही लगती। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इस बार सलमान खान रजत को समझाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो डांट के बोलेंगे, स्ट्रिक्टली बोलेंगे, आप देखना वीकेंड के बारे में बड़े प्यार से सलमान खान समझाएंगे कि रजत आपको कौन से ट्रैक पे जाना है। और मेकर्स भी अगर चाहें ना तो रजत अच्छे ट्रैक पे जा सकता है, क्योंकि मेकर्स जिस तरीके से बाकी सभी को साइडलाइन करते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ विवियन को दिखाने के चक्कर में, वो भी बहुत सोचने वाली चीज़ है इस बिग बॉस के घर में। चलिए, आप लिखिएगा आपको क्या है कहना, कि क्या रजत की क्लास लगती हुई देख आपको कैसा लगेगा।